हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए कुछ अलग रूल्स है क्या, ये सब कुछ हमको यहाँ पे अभी समझना है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। कॉन्वेक्स मिरर मतलब कौन सा मिरर बताओ? डाइवर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और क्या समझा था, और क्या समझा था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में? कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज, हां कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इट ऑलवेज गिव्स स्मॉल इमेज, यस, जो उसका इंटरनल सरफेस है उसको हमने क्या किया है, पेंट करा दिया है ना, उसको ओपेक बना दिया है, और जो आउटर सरफेस है वो उसका बनेगा, क्या बनेगा उसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा क्या, बराबर है? यस सर। हाँ ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन सीख रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करो डिस्टेंस बराबर स्केल का यूज करके लो। आपने सभी इमेज बना के देखे जो मैंने आपको बताए थे? उसकी प्रॉपर्टीज मैच करके देखी कि आपने जो बुक में प्रॉपर्टीज दी है उसके साथ बराबर मैच हो रही है? Yes, sir. अगर मैच हो रही है मतलब आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका पोल है। यहां से आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, अपने मन से आपको लेना है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्हाटएवर इट मे बी, जो भी आप लोगे उसको कांस्टेंट रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां तक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया है, तो जितना ये होगा उतना ही और डिस्टेंस लेना है। ये आपका रहेगा फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखो, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो मेरा इमेजिनरी सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनेगा, सही है क्या? Yes, है ना? तो कॉनकेव के लिए हम क्या बना रहे थे, उसके लेफ्ट में फोकस और उतने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिया था। तो कॉन्वेक्स के लिए भी कुछ वैसे ही बनेगा कि अलग बनेगा, बताओ सर? अलग बनेगा। हाँ कॉन्वेक्स के लिए आपको थोड़ा सा ये अलग मिलेगा, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी सर्कल है वो इस साइड में आएगा, सही है? Yes, sir. उसका इमेजिनरी सर्कल इधर से आ रहा था, उसके सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया था। इसका इमेजिनरी सर्कल इधर से आ रहा है, तो इसका सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, उस साइड में मिलेगा, मतलब मिरर के पीछे मिलेगा, है ना? समझ में आएगा सभी को ये मैंने ऐसा क्यों किया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक। तो फिर से हमको वही करना है जो हमने उसमें भी किया था, बट थोड़ा सा वहां से यहाँ पे डिफरेंस क्या है, उसका फोकस लेफ्ट में आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आ रहा था, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको राइट में मिलेगा। क्यों राइट में मिलेगा ये भी हमने समझ लिया, कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे हमने लेफ्ट में किया था एक डिस्टेंस लेके, सेम मैं यहाँ पे भी करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है, और उतने ही डिस्टेंस पे आप एक और पॉइंट ले लोगे, ठीक है, इसको मैं नोट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा है फोकस एज यूजुअल, और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अभी देखो वो क्या रहा है, लाइट का जो हमारा सरफेस है मिरर का रिफ्लेक्टिंग वाला वो ये है, सभी को मालूम है ना, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे वाला उसका ओपेक सरफेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अभी देखो हमेशा लाइट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही फॉल करेगा, नहीं तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, फोकस अंदर बनाया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर बनाया हुआ है, तो लाइट भी इधर से ला लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये तो उसका ओपेक वाला सरफेस है, लाइट आपको उस कंडीशन में भी इधर से ही आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से कोई भी एक लाइट अगर मेरी आ रही है, अभी हम लोग समझ रहे हैं रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग जो टॉपिक समझ रहे हैं वो टॉपिक है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर।
तो अगर कोई लाइट रे यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जैसे हमने देखा था किसी केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती थी तो उसका क्या होता था बताओ? हाँ, वो आपका रिफ्लेक्शन जाती थी फोकस से, मतलब यहाँ पे फॉल हुई और ऐसे फोकस से निकल गई, यही देखा था ना। अभी यहाँ पे क्या होगा, वैसा ही कुछ होगा बट थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। वो कैसे समझो, अभी जो है लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट इसके अंदर जाएगा क्या? हाँ, ये बात सभी को मतलब कंफर्म पता होनी चाहिए कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट यहाँ पे फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट ही होगा। ये आप लोग ये क्या प्रेजेंट कर रहे हो बार बार, पहले वो पुष्कर कर रहा था, अभी वो श्वेत कर रहा है, विश्व वनमाली कर रहा था, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ प्रॉब्लम है क्या श्वेत? फिर क्यों वहां पे अप्लाई कर बार बार आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो? अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एब्सेंटी लगेगी आपकी और कुछ नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट है तो अभी क्लास में बैठो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोई भी लाइट रे अगर हमारे मिरर की तरफ आ रही है तो उसके ऊपर फॉल होने के बाद उसका हमेशा रिफ्लेक्शन ही होगा, लाइट कभी भी मिरर के अंदर नहीं जाएगा, है ना, ये चीज आपको पता है। बट अभी इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये थोड़ी सी हमें बात समझनी है। तो यहां से लाइट यहाँ पे फॉल करने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट अगर आप इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन करके देखो, एक्चुअल में लाइट अंदर नहीं जा रही है, ये चीज समझ लो। अगर उसका आप एक बैकवर्ड प्रोजेक्शन करके देखो तो उसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन आपको देखेगा कि वो फोकस से ही आते हुए आपको नजर आएगा, मतलब आपको ऐसा वहां पे प्रिटेंड होगा कि लाइट फोकस से आ रही है और बराबर उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होके वहां पे चली गई। समझ में आएगा आपको पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइट रे अगर मेरे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल करती है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा जैसे होना चाहिए वैसा, बट उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको महसूस होगा कि फोकस है, मतलब इस तरह से आप उसको देख सकते हो। इससे एकदम अपोजिट, ये तो हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आपको लगेगा कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके वो सामने चली जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से आते हुए नजर आए या फिर अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है, उस तरह की भी लाइट हो सकती है, या फिर एक और लाइट हमारे पास सेंटर वाली भी होती है जो हमने समझा था। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए उसका क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन कहां चली जाएगी? वो और उसको अगर आप ऐसे सामने लेके जाओ, एक्चुअल में वो अंदर नहीं जाएगी, ये बात समझ लो, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट कभी भी अंदर नहीं जाती है। बट अगर आप उसका एक ऐसे निकाल के देखो उसका प्रोजेक्शन, तो वो प्रोजेक्शन अगर सेंटर की तरफ जा रहा है तो लाइट उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिबाउंड होके वापस आ जाएगी। समझ में आया क्या आपको दोनों पॉइंट्स? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अभी एक हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो बच रहा है, वो बता देता हूँ। देखो दो रूल सबको समझ गए होंगे, अभी एक रूल आपको समझना है। तो जैसे मैंने बताया था लाइट अगर पैरेलल आए तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे लगता है जैसे फोकस से आ रहा है, उसी तरह से अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ अगर जाए तो उसका क्या होगा बताओ? पैरेलल। हाँ, ये हमने इसके पहले भी समझा है। अगर कोई इस तरह की लाइट रे है जो इस तरह से प्रिटेंड करे कि फोकस की तरफ जा रही है तो ये मिरर है, ये तो रिफ्लेक्ट कर देगा, बट इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि वो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमने थ्री रूल्स समझे हैं जिनका यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने कॉन्केव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन किए
कुछ उसी तरह से हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इमेज फॉर्मेशन करके देखना है, ठीक है? कर पाओगे क्या? Yes, तो एक हाथ में करके दिखा देता हूं। यहां पे हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन आएगी जिसके लिए हमें इमेज फॉर्मेशन करके देखना है। जैसे कॉन्केव मिरर के लिए हमारे पास काफी सारी कंडीशंस थी, उतनी कंडीशंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है, क्योंकि अगर बाकी कंडीशन के लिए बनाओगे तो भी इमेज आपकी लगभग सेम ही बनती है, तो आपको अलग अलग कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस कंडीशन में हमारे पास दो ही है पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली है एट इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये हमारे लिए फर्स्ट पोजीशन है। और दूसरा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख लो, उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। जिनको अभी भी रूल्स में कोई दिक्कत है उनके लिए अभी मैं यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा उसको अच्छे से थोड़ा सा देख लो, आपको वो भी रूल्स आपको जो नहीं समझे थे वो समझ में आ जाएंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां पे मैं इमेज दे लेता हूं फॉर द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, मतलब पोल की इस साइड में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लो वही पोजीशन, मतलब उसका पोल एंड इंफिनिटी वाला पोजीशन है। क्योंकि यहां पे तो कोई सी और एफ है ही नहीं, सी और एफ तो उस साइड में है, तो यहां पे कोई अलग अलग लोकेशन अभी नहीं आए, तो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं और इसको नेम दे देता हूं ए बी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ये सभी को मालूम है हमने इमेज कैसे करना है। हम लोग हमेशा मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा हम लोग ए बाय बी रखते हैं और ऑब्जेक्ट को एरो के फॉर्म में दिखाते हैं। ये सभी को मालूम है क्योंकि आपने इसके पहले कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्म करके देखी। अभी इसका इमेज फॉर्म करना है मुझे पॉइंट ए का, तो मुझको कितनी लाइट रेज चाहिए होंगी? दो। सभी को मालूम है हमको एटलीस्ट वहां से टू लाइट रेज लेने होंगे ताकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर पाए उस पोजिशन के लिए। तो सबसे पहला तो मैं एक लाइट ले लेता हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो क्या होगा इसका फोकस? यस, वो उस वहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, अंदर तो जाएगा नहीं, इतना सभी को मालूम है। बट रिफ्लेक्ट बैक इस तरह से करेगा कि ऐसा लगे जैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट फोकस है, मतलब इस तरह से। देखो मैं करके दिखाता हूं, आया समझ में आपको? यस सर। हाँ, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, लाइट रे आई मिरर से यहाँ पे आने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ कुछ इस तरह से, बट रिफ्लेक्शन इस तरह से हुआ कि आपको लगे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट एफ हो, है ना? तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या करोगे? ये तो हो गया सिर्फ एक सिंगल लाइट रे, और एक सिंगल लाइट रे से हम लोग इमेज फॉर्म नहीं कर सकते, सभी को मालूम है। तो एक और लाइट रे हमको लेना पड़ेगा। दूसरा लाइट रे मैं कहां से ले लूं बताओ, कौन सा लूं? सर पैरेलली लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना। नहीं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी है, तो हमने बीच में यहां पे ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है। तो कौन सा लोगे लोकेशन, दूसरा रे कौन सा लोगे? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले सकते हो, नहीं तो फोकस भी ले सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेता हूं। अगर कोई लाइट अभी बराबर स्केल का यूज करके बनाना, ठीक है, नहीं तो डायग्राम सही नहीं बनेगा आपका, काफी दूर जाना है हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास इस तरह से, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लाइट को बराबर स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपका एकदम सही डायग्राम बनेगा इस तरह से, ठीक है? तो हमने बना दिया पहला लाइट रे जो कि पैरेलल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे लगेगा जैसे फोकस से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। दूसरा है अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो आपने अभी देखा था वो रिबाउंड होके उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आपको जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी भी लोकेशन पे एक दूसरे को मीट करते हुए दिख रहे हैं क्या, बताओ? यस सर। मैंने आपको क्या पूछा, जो रिफ्लेक्टेड रेज है
वो आपको कहीं पे भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं क्या? बिटवीन पी एंड एफ यस, कार्य बताओ सर। बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ आपको दिख रहा है। चलो ओके, और कोई है जिनको दिख रहा है? और कोई है जिनको नहीं? ऐसा कोई है क्या जिनको दिख ही नहीं रहा है कि वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहे हैं? सर दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। यस, आपने जो बताया बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट कर ही नहीं रहे हैं। अपीयर टू मीट सर, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कौन से होते हैं? जो रेज कहां पे जाए, जो रेज आपके मिरर से वापस आते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो रेज आपके मिरर से टकराने के बाद वापस आते हैं वही आपके रिफ्लेक्टेड रेज है। और चेक करो, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है, मीट कर रहे हैं एक दूसरे को फिर? नो सर। कारिया समझ में आया? नो सर। हाँ, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को बिल्कुल भी मीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में इमेज जो फॉर्म होगा उसको हम लोग रियल इमेज बोल सकते हैं क्या? नो सर। तो इतना समझ में आ गया? मैंने लास्ट में आपको बताया था कि रिफ्लेक्टेड रेज अगर मीट करे तब ही रियल इमेज फॉर्म होती है, और यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रेज, ये पीछे वाला छोड़ दो, मिरर के पीछे से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, मिरर के सामने जो इमेज में लाइट रेज दिखती है वही हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, जो एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए मैं इसको रियल इमेज बोलूंगा। बट इमेज फॉर्म तो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखो मिरर के पीछे आपको ये जो दो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं वो दोनों प्रोजेक्शन एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिखा आपको? यस सर। तो ये एक तरह के हमारे पास वर्चुअली बनाए हुए प्रोजेक्शन है जो रियल नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी इस मीटिंग पॉइंट पे, ये हो जाएगा मेरा A डैश और ये हो जाएगा मेरा B डैश। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes sir. तो इसकी हम लोग अभी लिखेंगे प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं हम लोग? लोकेशन ऑफ द इमेज, कहाँ पे लोकेट हो रही है इमेज हमारी? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बिहाइंड द मिरर, है ना, क्योंकि अभी तक हमारे किसी भी इमेज के लिए हमने देखा नहीं कि इमेज पीछे बन रही थी, यहाँ पे हमारी इमेज जो बनी है पीछे बन गई है, तो बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो। सेकंड आप क्या बोलोगे, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। अभी किसी को दिक्कत है कि इसको मैंने वर्चुअल क्यों बोला? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया आपको वर्चुअल क्यों बोला है? यस सर। उसके बाद तीसरा हम लोग लिखते हैं कि जो इमेज है वो सीधी है या उल्टी है? तो आप वहां पे अपराइट इमेज इस तरह से भी उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? और एक लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होता है उसका लोकेशन, लोकेशन नहीं उसकी साइज, क्या साइज है? डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में आपको इमेज छोटी मिल रही है, तो आप इसको बोल दोगे डिमिनिश्ड इमेज, या फिर आप उसको लिखो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी? यस सर। एक इमेज है जो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो वो आप घर पे ट्राई करके देखोगे? ओके सर। हाँ, उसको ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको ले दूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ। यस सर। अभी आपकी एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, पता है सभी को? यस सर। और इम्पोर्टेंट क्या है, जितना पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है वो तो आएगा ही, आपके जो लेसन है ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, शायद 2 तारीख तक हमारा उतना पोर्शन ना हो पाए, पूरा लेसन कंप्लीट ना हो, तो जितना भी पोर्शन हमारा होगा ठीक है उतने पोर्शन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पोर्शन में कोई डाउट है अभी, समझ में आ गया आपको? हाँ, जितना पोर्शन मेरा एग्जाम से पहले हो जाएगा
उतने पोर्शन से ही आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब लगभग लाइट रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन आपका आ सकता है, लाइट रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन तो स्टार्ट ही नहीं होगा तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बीच में अगर कुछ पीरियड उसको मिलते हैं एक्स्ट्रा तो वो एक्स्ट्रा पीरियड में आपके लिए देने की कोशिश करूंगा। अभी हमको समझना है टॉपिक साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी एक टॉपिक हमको समझना है साइन कन्वेंशन वाला। अभी एक चीज मुझे बता दो, कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज करोगे फिर? व्हीकल में हम लोग रियर व्यू के लिए जो पीछे वाला व्यू है वो देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों आपने ऐसा बोला? वो वाइड व्यू देता है, वाइड व्यू देता है। और सर फॉर सिक्योरिटी पर्पस जो इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है, अभी देखा ना हमने? Yes, sir. इमेज yes, जो बन रही है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, और पीछे का अगर आपको देखना है तो आपको छोटे साइज में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े साइज में देखोगे तो पीछे से अगर कोई ट्रक आ रहा होगा तो ट्रक का सिर्फ हेडलाइट ही दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है? Yes, आपको तो पूरा व्यू चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए पीछे जो जो है, और इसीलिए हमको ऐसा कोई मिरर चाहिए जो ऑब्जेक्ट को छोटा बना के दिखाए, और इसीलिए हम लोग वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो जहां पे भी हमको छोटे साइज की इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए, उस कंडीशन में हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करेंगे, समझ में आ गया? यस सर। चलो अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक समझना है साइन कन्वेंशन। अभी ये साइन कन्वेंशन क्या चीज है, इसका कहां पे यूज होता है ये भी थोड़ा सा समझ लो। तो साइन कन्वेंशन स्पेशली हम लोग यूज करेंगे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास में होंगे उनके सॉल्यूशन के लिए हमको साइन कन्वेंशन काफी अच्छे से पता होना जरूरी है, अगर ये पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओ। तो साइन कन्वेंशन आपको जरूरी होता है जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तब। अभी ये है क्या ये भी थोड़ा सा समझ लो। तो मैंने यहाँ पे अभी वही इमेज बना के रखी हुई है जो है कॉन्वेक्स मिरर। अभी इसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैंने जब भी ऑब्जेक्ट को रखा हमेशा कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को हमेशा मैं लेफ्ट में रखता हूं आपके मिरर के, बराबर है? Yes, sir. तो यही चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। देखो आपके क्वेश्चन साइन कन्वेंशन जो आपको पेज नंबर 168 पे दिया हुआ है उसमें भी यही चीज आपको लिख के दी है और बता देता हूँ आपको, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले उसने बोला द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको मिरर के लेफ्ट में ही रखना है। अभी इसका मतलब क्या हुआ ये भी थोड़ा समझ लो। आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए रहेंगे उस न्यूमेरिकल में बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, व्हाट एवर इट मे बी, आपको उस तरह से क्वेश्चन में बोला जाएगा। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है आपके कॉनकेव मिरर से या फिर कॉन्वेक्स मिरर से। अभी उसने ये थोड़ी ना बताया कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है ना, तो हमेशा आपको कंसिडर कर लेना है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा होता है, समझ में आया? Yes, sir. मतलब क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लेफ्ट ऑफ द मिरर या राइट ऑफ द मिरर, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, आपको हमेशा समझना है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखा जाता है। अभी ऐसा मैं इतना जोर दे के आपको क्यों बता रहा हूं ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको मालूम है कि जो वाई एक्सिस होता है उससे लेफ्ट में जो भी पॉइंट आता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, मालूम है आपको? Yes, sir. Yes, sir. और वाई एक्सिस के राइट में जो भी टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बराबर है? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो यहाँ पे भी हमको उसी को अप्लाई करना है, जो हमारा मिरर है उस मिरर के लेफ्ट में आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका डिस्टेंस अगर वो आपको 30 सेंटीमीटर बता रहा है तो आप वो डिस्टेंस कौन सा लोगे, -30 सेंटीमीटर, समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ yes, sir. जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखा होगा
उसका आपको डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लेना है। ऑब्जेक्ट को वो बताएगा नहीं आपको कि राइट में लिखा हुआ है कि लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे वो आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो आपको समझ जाना है कि उसका डिस्टेंस आपको निगेटिव में लेना है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसका इमेज तो कहीं पर बन सकता है, हमने देख लिया इमेज कभी राइट में बनता है कभी लेफ्ट में बनता है, तो इमेज के रिलेटेड आपको ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है, इमेज जहां पे फॉर्म होगा उसके हिसाब से आप उसका मतलब प्लस माइनस साइन दे सकते हो। अगर इमेज राइट में फॉर्म हो रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा, अगर इमेज लेफ्ट में फॉर्म हो रहा है तो उसमें माइनस साइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट साइन कन्वेंशन। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है, लेफ्ट ओनली नेगेटिव राइट ओनली पॉजिटिव, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, और एक चीज समझ लो, बाकी तो आपको समझ में आई जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्ट की साइज भी निकालेंगे, उसके हाइट निकालेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? बड़ी है। हाँ, ये बात समझ में आ गई आपको। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर प्लस में है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट इस तरह से इमेज बना रहा है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से है, या फिर जो इमेज है वो इस तरह से, मतलब ऊपर की तरफ उसका एरो है। समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, अगर ये चीज माइनस 4 सेंटीमीटर है या फिर कुछ भी माइनस में है तो उसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इस तरह से कुछ बन रही है, मतलब उसका एरो कहाँ पर है? नीचे की। समझ में आ गया आपको? Yes, तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझी, डिस्टेंस के रिलेटेड हमने समझा था कि अगर ऑब्जेक्ट या फिर इमेज जो भी लेफ्ट में है उसके आपको साइन हमेशा निगेटिव देना है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इमेज अगर कभी गलती से राइट में आ जाती है तो उस केस में उसकी वैल्यू को हम लोग प्लस में लिखेंगे। उसके बाद जब भी हाइट की बात की जाए ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की, अगर हाइट प्लस में दी हुई है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है या फिर इमेज जो है वो सीधी है, और अगर उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या फिर इमेज जो भी आपका है वो आपका उल्टा है, इन्वर्टेड है। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी दिक्कत है क्या इस टॉपिक में? ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी एक इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले बताऊंगा जिनका यूज हमको हमेशा करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, तो एक है सबसे पहले मैग्निफिकेशन, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है एक मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे उसके इमेज के साथ, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट कम है, इमेज की हाइट सेम है, ये चीज हमको पता चलती है इससे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। आपको मैग्निफिकेशन अगर वो पूछ ले, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग H1 बोलते हैं, इमेज की हाइट को H2 बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट को HO बोल दो, है ना, ऑब्जेक्ट का HO, और इमेज की हाइट को HI बोल दो, कुछ भी बोलो आप अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट को HO बोल दिया मैंने, इमेज की हाइट को HI बोल दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट हमको दी है 2 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट हमको दी है 4 सेंटीमीटर। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया फॉर्मूला आपको? Yes, sir. Yes, sir. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का हाइट आपको ऊपर लिखना है, ऑब्जेक्ट की हाइट को नीचे लिखना है। देखो करके दिखाता हूँ, इमेज की हाइट है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन मेरा यहाँ पे निकल के आया 2। समझ में आया आपको? Yes, sir. अभी इसका मीनिंग क्या होगा, हाँ इसका जो मीनिंग है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मीनिंग क्या है, देखो अगर ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है, जैसे इस कंडीशन में आ रही है, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसका मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट ज्यादा है। समझ में आया आपको? Yes, sir.
अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो इमेज की हाइट 4 थी और ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, तो आपको वैल्यू 1 से ज्यादा मिली, सही है। अगर ये वैल्यू 1 से कम मिलती तो उसका मीनिंग क्या होता, कौन बता सकता है? सर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यस, अगर वो वैल्यू 1 से कम होती तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज छोटी हो जाती है ना। अगर इसको मैं उल्टा दे दूं तो ये क्या हो जाता है 2/4, मतलब आंसर आ जाता आपका 0.5, है ना। मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज छोटी है, हाफ है। आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। अभी मुझे बताओ अगर दोनों की साइज सेम होगी तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन की वैल्यू उस कंडीशन में हमको मिल जाती 1, बराबर है ना? यस सर। क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज भी समझ लो 2 है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 2 है, तो 2 × 1 = 2, मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा, है ना। तो इससे हमने ये बात समझ ली, मैग्निफिकेशन अगर 1 आता है तो ऑब्जेक्ट की साइज एंड इमेज की साइज सेम हो जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन 2 आता है तो ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, मतलब 1 से ज्यादा है, कुछ भी आ सकती है, तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द इमेज। और अगर 1 से छोटी है, 1 से कम वैल्यू है, तो आप बोल सकते हो कि इमेज इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। तो ये टॉपिक समझ में आ गया आपको मैग्निफिकेशन वाला? यस सर। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझ लो पीरियड का टाइम हो गया है क्या हमारा, चेक करो। यस सर। कितने बजे तक था? ठीक है, फिर बाकी टॉपिक कल ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर, नो सर।